So firstly, welcome to our channel, Hina and Tanmay. And very big Thank big you. okay. And very big big congratulations for your song. It's going Thank amazing. you. Author Vargi, 3.3 million views and response is amazing. It's five. 5 million. So किस तरह के responses आ रहे हैं, क्या कुछ compliments हो रहे हैं, ये जानना चाहूंगी आप दोनों को. आपको कैसा लगा? मुझे प्रीति, आपको कैसा लगा? मेरा भी ये सवाल है. मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा और ये जो स्टोरी है काफी यूनिक लगी मुझे. सो आप दोनों से जानना चाहूंगी किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिले आप दोनों को इस सॉन्ग को लेकर. सॉरी, आपका सवाल आई मिस्ड. व्हाट डिड यू से? आप दोनों से जानना का सवाल किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं आप दोनों को पर्सनली सॉन्ग को लेकर. जैसा अभी आपने दिया हिना. हाँ, एग्जैक्टली जैसे आपने बोला कि आपको कैन यू हियर मी प्रीति? या तो जैसे कि आपने कहा कि आपको गाना अच्छा लगा और आपको स्टोरी लाइन यूनिक लगी, तो हमें भी ऐसा ही रिस्पांस मिल रहा है. पीपल आर लाइकिंग द सॉन्ग. म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग. जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाए गए हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो ओवरऑल पीपल आर लाइकिंग द सॉन्ग. ऑलमोस्ट वी आर क्लोज टू 10,000 इन टर्म्स ऑफ रील्स. लोग बहुत सारी रील्स बना रहे हैं और हमारा मोटिव ही यही है, तन्मय मेरा, हमारी पूरी पत्थरवर की टीम का, कि लोगों की जबान पर ये गाना हो, फिर नंबर्स अपने आप आ जाएंगे. तो ये पत्थर वर्गी सॉन्ग का क्या कुछ प्लानिंग थी पहले से, ये जानना चाहूंगी. किस तरह से आप पार्ट बने, ये सबसे पहले आप दोनों से जानना चाहूंगी. तन्मय थे पार्ट पहले से. तन्मय है सब होल एंड सोल. सब तन्मय ने ही करा है. रणवीर जो सिंगर है he's a very close friend of mine. So when I got to know like he has a composition and lyrical song, so mere ko ye karna hi karna. So yeah, wahan se ye project ki shuruaat hui. Kyunki Ranveer ka, I guess it was the third collaboration with them, B. Prag aur Jani ke saath. So yeah. So Tanmay, aap to wahan se like I'm a bit wahan se ye project ki shuruaat hui. Then director came on board and मैं सबसे लास्ट में आई. We are actually losing you. लास्ट में नहीं, सेकंड. आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है. ओके. तो या गाने की शुरुआत ऐसी हुई, देन डायरेक्टर केम ऑन बोर्ड एंड देन हीना और यू कैन से गाना बनना शुरू हुआ. लाइक गाना नहीं, वीडियो बनना शुरू हुआ. तो तन्मय, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हीना बोल रही हैं कि मैं सबसे लास्ट में जुड़ी, तो हीना इस सॉन्ग के पार्ट हुई, तो आपका क्या कुछ रिएक्शन था कि हीना साथ में काम करने वाली है आप? बस वही, जैसे अभी ये हम देख रहे हैं, आपने जैसे भी बोला ट्रेंडिंग में है, 10,000 रील्स, तो वो बस वो उसी वक्त दिमाग में आ गया था. वी आर डन. जो ऑन स्क्रीन सॉन्ग में जो सॉन्ग, ये आप दोनों की केमिस्ट्री देखी जा रही है, बहुत पीपल लाइक कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आपकी केमिस्ट्री को लेकर आ रही है. सो ऑफ स्क्रीन किस तरह की अभी केमिस्ट्री बनी है आप दोनों को? आप दोनों को आई थिंक आई हैव मेट तन्मय ओनली वंस फॉर व्हेन वी शॉट. जब हमने शूट किया, दो दिन हम साथ में थे जब हम ये म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे थे. उसके बाद ये दिल्ली में ही थे और मैं वापस बॉम्बे आ गई. आई थिंक उसके बाद से अब तक हम नहीं मिले हैं. नहीं मिले हैं, राइट? हुआ था, बट देन अगेन लॉकडाउन थिंग हैपेंड. हाँ, राइट. तो नहीं मिल पाए, बट वी हैव बीन इन कॉन्स्टेंट टच विद ईच अदर. लाइक वी नो व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड, सब कुछ पता है. लाइक एक कनेक्शन है विदाउट स्पीकिंग टू ईच अदर. लाइक वी नो व्हाट इज हैपनिंग इन ईच अदर्स लाइफ और क्या हो रहा है. तो एक एक मतलब पता है तन्मय क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है. सो
एक अलग तरह का रैपो और रिस्पेक्ट है, आई वुड से. सो दैट्स नाइस, दैट्स स्वीट. और गुरु शिष्य का भी हो गया. मैं किसी की गुरु नहीं हूँ, ये बहुत बहुत आगे जाने वाले हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, तब मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे. इनके पास बहुत बहुत सारा काम है, बहुत सारी फिल्में करने वाले हैं ये. इंशाल्लाह पता नहीं फिर मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे. आप दोनों की बॉन्डिंग तो अभी बहुत अच्छी दिख रही है. सो फर्स्ट मीट कैसा था आप दोनों का? ऐसे ही था, फर्स्ट ऐसा ही था. हम बिल्कुल शॉर्ट से पहले डायरेक्टर ने हमें इंट्रोड्यूस किया एक दूसरे से, एंड वी मेट, हाय बोला एक दूसरे को, एक्सचेंज सम हेलोज, एंड उसके बाद शॉर्ट शुरू हो गया. तो वी वर क्वाइट कंफर्टेबल विद ईच अदर. ऐसे मैं ये नहीं कहूंगी कि दोस्ती दोस्ती हो गई एकदम से. इनफैक्ट पूरे दो दिन में भी ऐसे कोई हमारी दोस्ती दोस्ती नहीं हुई. बिकॉज जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि तन्मय बहुत कुछ कर रहे थे. तन्मय वॉज मल्टी टास्किंग, ही वॉज नॉट जस्ट एन एक्टर ऑन सेट, यू नो, ही वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ अदर स्टफ. He was involved in a lot of other stuff, arranging things, you know, he was the host. तो उनको हर चीज का ध्यान रखना था. इस वजह से शायद हमें उतना वक्त नहीं मिला एक दूसरे से बात करने का. अभी नेक्स्ट टाइम हम इसकी भरपाई करेंगे. किना बहुत सारे म्यूजिक एल्बम सॉन्ग कर चुकी है, इस म्यूजिक एल्बम सॉन्ग में ऐसा क्या कुछ आपको खास लगा जो आप इसके लिए हाँ बोली, ये जानना चाहूंगी. मेरे लिए सबसे बड़ी बड़ा रीजन ये गाना करने का था, द कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स कमल के साथ मैं पहला गाना कर चुकी हूँ, रंजना, तो उन्होंने ही डायरेक्ट किया था, बहुत ही खूबसूरती से गाना डायरेक्ट किया था. उनका जो विजन है एज अ डायरेक्टर, शॉट टेकिंग है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है. तो उनके वजह से, उनके थ्रू मैं इस म्यूजिक वीडियो में आई हूँ. पर मेरे लिए द कॉम्बिनेशन वॉज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. ऑफकोर्स कमल के लिए तो आई डिड इट, बट उसके अलावा द कॉम्बिनेशन ऑफ बीपरा किंजानी, द लिरिक्स एंड द म्यूजिक वॉज फैब, और And I decided that I should go for it. Tanmay, In fact, Ranveer has also sung really nice. Yeah, right. So Tanmay, आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या कुछ खासियत लगती है म्यूजिक एल्बम सॉन्ग की, सो आपने किया? हर चीज खास है, मैं कहूँगा making to the release और जो बनकर project आया, I'm really happy. Honestly, वो ज़्यादा matter करता है, हम बातें भूल जाते हैं कि हमने गर्मी में shoot किया, सर्दी में shoot. कैसे शूट किया, स्पेशली द लास्ट सीक्वेंस. बहुत बहुत कहानियां हैं, बट जो एंड प्रोडक्ट है वो मैटर करता है. इवेंचुअली इफ योर प्रोडक्ट इज नाइस, या दैट्स व्हाट मैटर्स. और वो अच्छे से रिसीव हो रहा है, और एंड आई गेस होता भी रहेगा, क्योंकि ये गाना ऐसा है, ये लंबी रेस का घोड़ा है, यू कैन से. सो या वो रिसीव होता रहेगा. एंड द बेस्ट पार्ट, अगर इफ यू सी म्यूजिक वीडियो, एक ऑडियो है, आप वो विंग म्यूजिक सावन में आप सुन सकते हो. म्यूजिक तो वहां भी आ सकता है, बट अब जब आप वीडियो देखो तो गाने की यू कैन से पॉपुलैरिटी इन टर्म्स ऑफ गाने को एक प्यार, वो एक अलग लेवल पे पहुंचाता है. आई गेस वो इस म्यूजिक वीडियो में है. एंड आई थिंक आई'd लाइक टू ऐड समथिंग टू इट. एक बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि आप जब एक गाना बनाते हैं, गाना रेडी करने के बाद आप उसको पिक्चराइज करते हैं, उसको शूट करते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि कई बार शायद जब आप गाना सुनते हैं तो शायद उतना अच्छा नहीं लगता है, बट वही गाना जब आप देखते हैं तो when you visualize, when you see the song, you fall in love with the song. So there are people who like to listen to a song which is videographed, जो पिक्चराइज किया हुआ है, उनको उनको एक पिक्चर भी चाहिए, एक स्टोरी बोर्ड भी चाहिए उस गाने के साथ, and that's when they fall in love with the song. So कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनते हैं, तो अब आप हर तरह से उनको हर प्रेजेंटेशन जब देते हैं तो हर किस तरीके के इंसान तक वो गाना पहुंचता है.